नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में डीआई का पोर्शन देखेंगे। ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन में टेबल डीआई और बार ग्राफ में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास के अंदर हम लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आपके आए हुए होंगे। आने वाला जो आपका SBI PO क्लर्क का एग्जाम है, IBPS RRB PO क्लर्क का एग्जाम है, उसमें बहुत यूजफुल रहने वाला ये क्लास आपका। जैसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस जो रियल में एग्जाम में पूछे हुए हैं, रियल एग्जाम लेवल है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हम इस स्पीड बूस्टर सीरीज के अंदर कर रहे हैं। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो पार्ट वन जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि DI के काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे सीरीज के अंदर, क्योंकि DI थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। चलो अब हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी नई मोबाइल एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट 2.0 के बारे में बताना चाहूँगा। इस एप्लीकेशन में हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ देने का प्रयास किया है, जैसे कि आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं, स्टडी मटेरियल, यूट्यूब वीडियोस विद PDF, प्रीवियस ईयर के पेपर, डेली क्विज, डेली वोकैब की क्विज, सिलेबस, जॉब अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो इसको आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 11 मई से मैं कुछ लाइव बैचेज आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, मैं मेरी टीम के साथ में मिलकर, जो कि SBI कलर का IBPS RRB PO कलर के लिए होंगे। तो उसके ऊपर लॉन्चिंग ऑफर में हम 60% का ऑफ आप लोगों को दे रहे हैं। 10 मई तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको ये कोड अप्लाई करना रहेगा एप्लीकेशन के ऊपर जाके। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैच के बारे में बता देता हूँ। एक बैच आएगा जिसमें SBI कलर का IBPS RRB PO कलर दोनों का कंबाइंड बैच होगा। एक बैच सिर्फ SBI कलर वालों के लिए होगा। एक बैच सिर्फ IBPS RRB PO कलर वालों के लिए होगा। अगर किसी को पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चलता है। एक प्राइम बैच होगा जिसमें आपको आने वाले भी सारे बैचेज मिल जाएंगे, तो प्राइम में भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अगर सारे सब्जेक्ट चाहिए और एक साथ सारा रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए, तो वो भी हमारे पास में बिल्कुल रेडी है। तो आप कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमने एक ऑप्शन दे दिया है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी एक कंबाइंड ऑफर दे दिया है। और आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहे तो आप लोग मैथ्स का या फिर रीजनिंग का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं, किसी को अगर एक सब्जेक्ट का लेना है तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो DI करते हैं उसकी अप्रोच ये होती है, जैसा कि मैंने पार्ट वन में भी बताया था, कि आपको सबसे पहले डेटा को समझना है कि डेटा में दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो सिंपली मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट तीन अलग अलग कंपनी में मजदूरों की कुल संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है मजदूरों की संख्या दिखाता है, टोटल वर्कर्स, वर्कर्स को हम हिंदी में यहाँ पे मजदूर लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मजदूरों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि तीन अलग अलग कंपनी है ABC, उनमें टोटल जो मजदूर है वो है 900। ठीक है, तो 32% कंपनी ए में है, 44% बी में है और 24% कंपनी सी के अंदर है। फिर आगे दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका यानी कि ये जो टेबल दी गई है, इन कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और मजदूरों के बीच अनुपात को दर्शाती है, यानी ऑफिसर्स और वर्कर्स, यानी अधिकारियों और मजदूरों के बीच में रेशियो दिखा रहा है कि एक कंपनी में ऑफिसर्स और वर्कर्स के बीच में जो रेशियो है 1:16 है, इसमें 1:18 है, इसमें 1:12 है। तो इस तरीके से ये रेशियो दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो टोटल इम्प्लॉइज हैं वो है टोटल वर्कर्स प्लस ऑफिसर्स, यानी कि अगर आपको टोटल इम्प्लॉइज की बात करेगा तो वर्कर्स प्लस ऑफिसर्स, यानी कि अगर आपको बोलेगा कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब है सारे लोग आ गए, उसमें ऑफिसर भी आ गए और मजदूर भी आ गए। आपको बोलेगा ऑफिसर तो उसमें सिर्फ अधिकारी आए, आपको बोलेगा वर्कर तो उसमें मजदूर आए। ठीक है, तो ये वर्ड्स में कन्फ्यूज नहीं होना है। चलो, तो अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ये जब ऐसी जो DI आती है, ये भी SBI क्लर्क के एग्जाम में आई हुई DI है, तो इसमें क्या होता है, बहुत कम सा डेटा दिख रहा है हमें। ठीक है, और इस डेटा में बार बार में चीज़ें पूछेगा, जैसे इसमें यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो मैं अलग बात करता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कंपनी ए और सी में मिलाकर मजदूरों की कुल संख्या का, कंपनी ए और सी में मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। तो ऐसे करके पांच क्वेश्चन आएंगे, स्कोर बेस्ड पांच क्वेश्चन के अंदर ये अलग अलग डेटा को यूज में लेगा, और डेटा यहाँ पे बहुत कम सा ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, मैं एक बार में इसको कैलकुलेट कर लूँगा। एक बार में कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे पता है कि 900 मजदूर हैं टोटल मिला के, उसमें 24% सी में है, बी में, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ कि कितने किसके अंदर होंगे। तो मजदूरों की जो संख्या है मैं पहले ही ABC में निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पेपर पे ABC लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा वर्कर, यहाँ लिख दूंगा ऑफिसर्स। ठीक है, वर्कर और ऑफिसर्स, फिर टोटल हम लोग जोड़ते रहेंगे। तो ए में क्या है, 32% है, तो 32% क्या है वर्कर से, किसका 32%, 900 का। तो 900 का 32% कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू 9 होगी, तो 32 कितनी होगी, 32 × 9, ये आपको अपने माइंड के अंदर ही करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा भाई, 32 × 9, तो ये कितना आ जाएगा, ए 288 आ जाएगा। 32 नंबर कितना होता है, 288। ऐसे ही करके यहाँ पे बी का 44 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 44 नंबर कितना होगा,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी को नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई तो पहले 40 से कर दो, नौ को 9 चौक 36 360, फिर 9 को 4 से करेंगे 36, 360 प्लस 36 396, ऐसे दिमाग में कर सकते हो आप, ठीक है 396। 24 की टेबल तो सबको आती होगी, 24 में कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 216 हो गए। ऐसे करके तीन आप लोगों के अलग अलग चीज़ें हो गई यहाँ पे कि भाई मुझे ए बी सी के वर्कर मैंने एक साथ ही निकाल दिए, क्वेश्चन में जब पूछेगा तो मैं हर जगह हर क्वेश्चन में इसको यूज कर लूँगा, एक बार ही कैलकुलेट करना है बस ये, तो वर्कर्स की संख्या तो ये आ गई। अब आप मुझे बताओ वर्कर्स ए में वर्कर्स और ऑफिसर्स की बीच में रेशियो कितना है, 1:16 है। अब ध्यान दीजिएगा 1:1% मेथड यूज करते हैं हम लोग बेसिकली जब भी NDI सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा आपके पास में वर्कर टोटल 288 है कंपनी ए में, और कंपनी ए में ऑफिसर और वर्कर्स की संख्या में रेशियो 1:16 दे रखा है, यानी कि मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मुझे 16 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 288 दे रखी है। और अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा तो ऑफिसर्स की संख्या आ जाएगी, तो 16 रेशियो की वैल्यू अगर 288 तो 1 की कितनी होगी, 16 का डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 16 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 एकम 16 कितना बचेगा यहाँ पे फिर से 22, एक सेकंड रुकिएगा, 16 एकम 16 एक बार चला गया, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा, तो 128 तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, समझ गए। इसके बाद में फिर से देखेंगे इसमें, देखो बी में ऐसे बी में 18 का भाग दे देंगे, 18 दूनी 36 फिर इसमें 12 का भाग देंगे, 12 एम 12 12 96। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली मैंने ये डिवाइड करके, यानी कि मेरे पास में वर्कर्स की वैल्यू आ गई, तो मुझे ऑफिसर्स पता, सॉरी ऑफिसर्स की वैल्यू आ गई, तो मुझे वर्कर्स पता लग गए और मुझे ऑफिसर्स पता लग गए ए बी सी के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में जो भी वैल्यू पूछेगा मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ये मुझे फटाफट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने बाद में सारे क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कंपनी ए और सी में मिलाकर मजदूरों की कुल संख्या का कंपनी ए और सी में मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कंपनी ए और सी में मिला के वर्कर कितने हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 288 प्लस 216, तो ये देखो 16 और 88 को जोड़ूंगा मैं तो 104 आएगा, फिर 400 यानी 504 आएगा, ठीक है, तो फटाफट जोड़ना है 504 रेशियो। आपके ऑफिसर्स कितने होंगे, 18 18 36 36, एक बार में सीधा ये 36 से कट जाएगा, ठीक है 36 से काट दो, 36 एकम 36 फिर 144 बचेगा, ये बचेगा ना, तो 36 चौक 144, तो 14:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो उसको फास्टेस्ट करने का ये तरीका है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन की पहले ये वैल्यू निकाल दीजिएगा आप लोग। और वैल्यू निकालना कैसे ध्यान से समझिएगा, ऐसे मत करना कि 24% निकालना है तो 24/100 × 900, ये सब नहीं करना है हम लोगों को, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, फिर ये निकाला फिर रेशियो वैसे निकाला, हमें सीधा दिमाग से सोचना है। हमें पता है कि 900 है तो 1% की वैल्यू 9 होगी, ठीक है 1% की वैल्यू 9 होगी तो कितना होगा, एक अगर मैं देखो 32 तो 32 × 9 32 × 288 हो गया, ठीक है। अब आपका जो 288 है मुझे पता है कितने रेशियो का वैल्यू है, 16 रेशियो का वैल्यू है ये, ठीक है ना, 16 रेशियो का वैल्यू है, तो 16 का अगर इसमें भाग दे दूंगा मैं 288 में तो 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, और 1 रेशियो क्या है अधिकारी है, अगर यहाँ पे 1 की जगह 3 दिया होता तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता, 54 हो जाता है 18 की जगह, ठीक है। तो अगर रेशियो चेंज आते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोइंसिडेंस की बात है कि उसने 1-1 रेशियो दे दिया, क्योंकि SBI कलर का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सेट होके आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को सारों को करना है। चलो एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज, इंप्लॉइज का मतलब उसमें ऑफिसर्स और वर्कर दोनों आ गए, ऑफ कंपनी बी इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज इन कंपनी सी, ठीक है ना, बी के टोटल इंप्लॉय और सी के टोटल इंप्लॉय के बीच में हमें रेशियो निकालना है। टोटल इंप्लॉय का मतलब क्या है, दोनों जोड़ के, ये दोनों जोड़ के मतलब इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दूंगा, ऑफिसर्स वर्कर और ऑफिसर्स को जोड़ दूंगा, इधर वर्कर और ऑफिसर को जोड़ दूंगा, तब टोटल इंप्लॉयज आएंगे। तो हमें क्या करना है, बी के टोटल इंप्लॉय और सी के टोटल इंप्लॉय के बीच में डिफरेंस निकालना है। अब एक स्टूडेंट तो क्या करेगा, पहले इन दोनों को जोड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेगा, फिर माइनस करेगा, इतना टाइम किसी के पास थोड़ी, सीधा ही देख लो ना डिफरेंस, देख लो कि यहाँ 22 ऑफिसर है, यहाँ 18 ऑफिसर है, 4 का डिफरेंस तो ऑफिसर में आ गया, 396 और 16 में डिफरेंस निकालूंगा तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें 180 का इसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो 180 प्लस 4 184, ये लो
मतलब जोड़ना नहीं था वहां पे, कुल मिला के बात ये थी आपका। और देखो ये तो मेरे आपको पीछे जाके करना पड़ रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, आपके सामने पेपर होगा आप तो देख के टिक मार सकते, लेकिन ये गलती नहीं करनी, इन दोनों को जोड़ा और फिर माइनस किया, ये नहीं करना है। सीधा ही देख लो, इसमें चार ऑफिसर ज्यादा है, इसमें 180 वर्कर्स ज्यादा हैं, दोनों को जोड़ दिया 184, सिंपल। इस क्वेश्चन में बोल रहे टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी ए इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी बी। ए और बी कंपनी के बीच में ऑफिसर्स की जो संख्या है उसके बीच में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो देख लेते हैं फटाफट, तो ए में कितने ऑफिसर्स हैं, 18 है, बी में 22 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे करना है हमें। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन कंपनी डी इज 50% एंड 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड वर्कर्स इन कंपनी सी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी। ये बोल रहा है कि एक कंपनी डी हो रही है जिसकी इस ग्राफ में कहीं भी बात नहीं की गई है, उस कंपनी डी के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कि उसमें जो ऑफिसर्स है ना वो 50% ज्यादा है सी से ऑफिसर्स, और जो वर्कर्स हैं वो 25% ज्यादा है सी से। तो सी का पहले देख लेते हैं हम, सी में वर्कर और ऑफिसर कितने, देखो सी में वर्कर कितने, 216 से कितना परसेंट ज्यादा है वर्कर, देखो मैं वहीं लिख देता हूँ इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है आपके सामने तो पेपर रहेगा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी में 216 और 18, ठीक है, तो मैं वहीं पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन के ऊपर ताकि हमें करने में दिक्कत नहीं हो, एक सेकेंड, 216 और 18, ठीक है, ये तो आपके वर्कर हो गए, ऑफिसर हो गए, ये आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा, ये आपको इस क्वेश्चन के टाइम पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पीछे से डेटा को आगे शिफ्ट किया है बस आपको दिखाने के लिए। अब जैसे ही आपके सामने ये वैल्यू है आपके सामने, जैसे क्वेश्चन ने बोला कि डी के अंदर सी से 50% अधिकारी है, पहले अधिकारी लिखा हुआ है ना, अधिकारी और मजदूरों की कुल संख्या में क्रमशः 50, तो अधिकारी कितने ज्यादा है, 50% ज्यादा, यानी अधिकारी 18 है, 18 का 50% मतलब आधा, यानी कि 9, तो 9 ज्यादा है, तो 18 में 9 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे ऑफिसर्स, ऑफिसर्स हो जाएंगे 27। वर्कर कितने ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो 25% का मतलब 1/4, तो इसमें भाग देंगे वर्कर में 4 का, तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 16 यानी 54, यानी 216 से कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है, तो 216 में 54 जोड़ दो तो 270, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 297, तो ये आंसर हो गया, सिंपल ये करना है आपको। इन ग्राफ से फिर हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन सिंपल सा देखने को मिले तो पहले ही वैल्यू निकाल देना जैसे मैं दिखा रहा हूं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। इसके एक तो तरीके हो सकते हैं कि जो हमने निकाले हैं उससे आप लोग कर लो, ठीक है ना, जो वर्कर्स वर्कर्स की बात कर रहा है ना, मजदूरों की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है, तो मजदूरों को डायरेक्ट इस ग्राफ से भी कर सकते हो। जो हमने संख्याएं निकाली है, जैसे बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी ए, ए में वर्कर जोड़ लेना और उसमें बी और सी का जोड़ के माइनस कर देना, या फिर बी और सी जोड़ के ए, जो भी ज्यादा वैल्यू आएगी उस हिसाब से माइनस हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन वो वैल्यू जोड़ोगे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और भी अच्छे से हो सकता है क्वेश्चन, सीधा ही ग्राफ से निकाल लो, क्योंकि हमें वर्कर्स की संख्या दी हुई है 900 और उनके परसेंटेज दिए हुए हैं। इसने बोला है कि ए में मजदूरों की कुल संख्या, तो ए में है 32% और बी और सी से कितना डिफरेंस है, बी और सी में मिला के कितना है, 44 और 24, यानी कि 48-68%, तो 68 − 32 कर दो आप, 68 − 32 अपने माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 माइनस कर दो तो 66 और 30 − 36%, यानी कि आपका 36% लोग हैं, गुणा 36 में कितना होता है वही हो जाएगा, ये लो जी आंसर आ गया 324, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, आपको निकालना है ए का और बी और सी दोनों का मिला के इन बीच में डिफरेंस, तो सीधा सीधा आप ये देख लीजिएगा, देखो 216 और 88 इनमें बीच में डिफरेंस कितने का, 72 का है, ठीक है, तो 72 अभी भी ये ज्यादा है, तो इसमें 72 फिर माइनस कर दीजिए 396 में, 396 में 72 माइनस करोगे तो 24, 96 में से 72 माइनस करोगे 24 बचेगा, तो 324 हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से ही बड़ा फास्ट निकल जाएगा, वहां से निकालना चाहो परसेंटेज से वहां से भी निकाल लो, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस अच्छे से करना, ऐसा मत करना कि पहले किसी ने 396 और 216 को जोड़ने बैठ गया, फिर यहाँ वैल्यू आएगी उसको फिर माइनस करने बैठ गया 288 में, सर ये करूंगा मैं तो इन दोनों का जोड़ का इसका डिफरेंस पूछा, ये नहीं करना है, सीधा दिमाग में सोचो कैसे हो सकता है, आपने देखा 288 और 216 का डिफरेंस 72 है, तो अभी भी ये 72 ज्यादा है, 72 और इसमें से माइनस कर दो 324 हो गया, सिंपल ऐसे करना है, सारी कैलकुलेशन जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे नहीं करना है, दिमाग में छोटे छोटे ग्रुप में कैलकुलेशन को चेंज करते चले जाना है अपनी सहूलियत के हिसाब से, जिससे कि चीजें फास्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ग्राफ पढ़ना है आपको। इसमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर गिवन, दे आर विजिटिंग ए प्लेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें मंडे से लेके फ्राइडे तक मेल और फीमेल्स कुछ ही प्लेस को विजिट कर रहे हैं, उनकी संख्या दी गई है लाइन ग्राफ के रूप में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं सारे, मतलब कोई भी ग्राफ आ जाए उसमें क्वेश्चंस वैसे ही रहेंगे, परसेंटेज कम ज़्यादा प्लस माइनस एवरेज वही सब पूछेगा। सिंपल जवाब होता है, आपको वैल्यू फटाफट निकालना आनी चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ें होती है जिससे थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे दिया गया है कि ये वाला जो साइन है ये मेल का है, ये वाला साइन है फीमेल का है, यानी कि ये जो डेटा दिया गया है ये सारा मेल का है, ठीक है, और ये जो डेटा दिया गया है और ये सारा किसका है, फीमेल का है। ठीक है, तो इस तरीके से मेल फीमेल का यहाँ पे ग्राफ के अंदर डेटा दिया गया है, ठीक है, संख्या दी गई है। अब आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जैसे मान लो मंडे को कितनी कितने मेल गए घूमने के लिए, तो मंडे को आप देखोगे 80 से स्टार्ट हो रहा है, मंडे को गए। अब देखो आप एक चीज़ देखना, देखो ये बीच में यहाँ पे आपको 80 वैल्यू दी है, 130 दी, इसके बीच में देखो कितने सेक्शन बन रहे हैं, पांच सेक्शन बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितने का है, 50 का है, तो एक सेक्शन की वैल्यू कितनी है, 10 है। कई बार ये एक सेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, ये देख लेना है कि भाई बीच में कितने सेक्शन बन रहे हैं, 4 सेक्शन बन रहे हैं, 5 सेक्शन बन रहे हैं, और इनके बीच की जो वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50 का, यानी कि यहाँ पे हर जगह 10 का डिफरेंस है, हर पतली ये जो बारीक लाइन है, यहाँ पे 90 वैल्यू है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 120 है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अजीब सा होता है, इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई हर हर लाइन की जो वैल्यू है वो 15 भी हो सकती है, तो वो देख लेना आप लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं कि वो हमारी आदत बन जाती है, ज़्यादातर केस में 10 ही देता है, हमारी आदत बन जाती है हम 10-10 का डिफरेंस लगा दें हर जगह पे, वो नहीं करना है। ठीक है, देखना है इस चीज़ को, जजमेंट करना है कि भाई 80 से 130 के बीच में 50 वैल्यू है और 5 सेक्शन है, तो एक सेक्शन की वैल्यू 10 होगी, यानी कि 90, 100, 110, 120, 130, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मंडे को कितनी महिलाएं घूमने गई, तो महिलाओं का साइन कितना है, ये है, 180 से एक सेक्शन नीचे यानी कि 170 होगा। ठीक है, पुरुषों की संख्या पूछेगा तो ये है, 180 से दो नीचे है तो 160 होगा, या फिर 130 से तीन सेक्शन ऊपर है तो वो भी 160 होगा। नीचे आ रहा है तो माइनस करते जाओ, ऊपर वाले से ऊपर जा रहा है तो प्लस करते जाओ, ऐसे करके वैल्यू आपको फटाफट फाइंड आउट करनी है, और फिर वही कैलकुलेशन सिंपल सिंपल सी यहाँ पे पूछी जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडे टुगेदर, यानी ट्यूजडे और थर्सडे को मेल कहाँ कितने मेल घूमे। ठीक है, ट्यूजडे और थर्सडे को मेल्स की संख्या आपको जोड़नी है, ये रहा ट्यूजडे, ये रहा थर्सडे, इसमें मेल्स की संख्या निकालो। ठीक है, मेल का साइन ये है, तो मेल्स की संख्या 130 प्लस ये कितना गया, 150, कितना हो जाएगा टोटल मिला के, 280। इसका आपको रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर, मंडे और फ्राइडे को जो महिलाएं घूमने गई है उससे रेशियो निकालना है। तो मंडे को कितनी महिलाएं घूमने गई है, ये रहा मंडे और ये रहा महिलाओं का साइन, तो ये कितना है, 170 है वैल्यू, 180 से एक नीचे, 170 प्लस फ्राइडे वाले में कितना है, 130, 170 प्लस 130 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 300 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300, ये काट दीजिएगा, 2 से कटेगा, 14:15 आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर की। तो सिंपली देखो यहाँ से वैल्यू निकालनी है और कैलकुलेट करना है, बस इतना ही पूछा जाता है क्लर्क लेवल के ऊपर, तो ठीक है, और आरआरबी में ही इस तरीके की चीज़ें सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस होती है, बस आपको थोड़ा ग्राफ में से फास्ट वैल्यू निकाल के अपने माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है। ठीक है, लिखना कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर विजिटेड द प्लेस ऑन ट्यूजडे। ठीक है, ट्यूजडे को टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितना विजिट किया, तो देखो यहाँ पे 130 प्लस 190, देखो 180 से एक पॉइंट ऊपर है तो 190 प्लस 130 यानी कि कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, ऑन ट्यूजडे आर व्हाट परसेंट मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर विजिटेड ऑन द प्लेस ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने लोगों ने घुमाया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू कितनी, 130 से दो सेक्शन ऊपर यानी 150 और ये 130 से दो नीचे यानी कि 110, तो 150 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अब देखो जब भी मोर और लेस, कम और ज्यादा का परसेंटेज पूछता है, तो हम हमेशा जो परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है 60 है इन दोनों का डिफरेंस। अब नीचे कौन सी वैल्यू आती है, तो मैंने एक जुगाड़ बताया हुआ है फास्ट सोचने के लिए कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, कि जब भी आप लोगों को मोर बोल देता है या तो मोर लेस दोनों बोला है वो भूल जाओ एक बार के लिए, जब भी आपको मोर बोल देता है तो मोर हमेशा क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा हमेशा कम वाले से होता है, तो जब आपको मोर बोलता है तो कम वाली छोटी वाली वैल्यू यहाँ लिख दो।
अगर आपको लेस बोलता, लेस हमेशा किससे होगा, ज़्यादा वाली वैल्यू से होगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं, क्योंकि नीचे वो वैल्यू आती है जिससे कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं 100 में से 60 मार्क्स आए किसी के, तो मैं ये 60 क्या बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ 100 में से 60, ठीक है। तो जिससे कंपेयर करते हैं ना, वो वैल्यू नीचे आती है परसेंटेज, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तब। लेकिन जहाँ पे अगर आपको पता नहीं लगे कि भाई मोर और लेस पूछा गया किससे करना है, तो वहाँ लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। और लैंग्वेज में सिंपल सी बात ध्यान में रख लो, देन के बाद में जो लैंग्वेज लिखी होती है ना, वही वैल्यू आपका उसी से कंपेयर करना है आप लोगों। तो देन के बाद में कौन सी वैल्यू है, ये 260 वाली वैल्यू है, तो 260 से। और वैसे भी अगर आप लैंग्वेज समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि संख्या को उस स्थान का दौरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, कौन से गुरुवार वाली से कंपेयर करवा रहे हैं आप लोगों को। अगर लैंग्वेज पढ़ के भी फील करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये आपको निकालना था, यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 3, ये 13, तो यहाँ पे 300/13 में एक फ्रैक्शन बनेगी, 13 × 2 = 26, 33 × 39, 1 बचेगा 23, सही 1/13%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड द प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटेड प्लेस फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे, ठीक है। ये बोल रहा है कि मंडे टू वेडनेसडे, अब इसमें मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तीनों दिन आ गए, मंडे एंड वेडनेसडे नहीं बोल रहा है। तो कई बार कई स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे सोमवार से बुधवार, ठीक है, तो से बोल रहे हैं तो सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों आ गए, सोमवार और बुधवार ही नहीं मान रहे, कहीं आप मंडे और वेडनेसडे ही मान लें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कई बार, तो वो नहीं करना है। तो ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटेड द प्लेस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है। तो कौन पहले क्या बोला है, फीमेल्स बोले हैं, ठीक है, तो फीमेल्स की संख्या ये और ये, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसको क्या माइनस करना है हमें, बुधवार से लेकर शुक्रवार तक जो पुरुष है उन्होंने कितना दौरा किया, सोमवार से बुधवार तक उस तरह दौरा करने महिलाओं की कुल संख्या, और बुधवार से शुक्रवार तक उस तरह का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या। तो बुधवार से शुक्रवार तक जो मेल हैं उनका हमें देखना है। चलो, तो मेल का कौन सा ग्राफ है, 1, 2, 3। अब देखो, एक तो ये चीज़ हो सकती है कि एक स्टूडेंट तो ये करेगा कि पहले इन तीनों वैल्यू को जोड़ेगा, फिर इन तीनों वैल्यू को जोड़ेगा, और फिर इनमें से माइनस कर देगा, एक तो वो स्टूडेंट होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट ग्राफ से देख के चीज़ों को समझ लेगा, वो देखो कैंसिल आउट करेगा, उसे ये पता है दिमाग के अंदर ही कि मुझे इन तीन वैल्यू से इन तीन वैल्यू से, तो ग्राफ में मान लो एक वैल्यू यहाँ दी हुई है, एक वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो आपको डिफरेंस इनकी वैल्यू में 130 माइनस 100 करने की जरूरत थोड़ी, आप तो को दिख रहा है तीन सेक्शन है बीच में, तो 30 का डिफरेंस है, समझ में आ रही है, दो वैल्यू के बीच में, तो ऐसे ही मैं देख लूँगा यहाँ पे, डिफरेंस तो निकालना है मुझे। मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पहले वाली संख्या है ना ये ज़्यादा है, आगे वाली संख्या थोड़ी कम है, तो पहले वाली में से मैं आगे वाली जो संख्या मुझे माइनस करनी है, यानी इनको प्लस मानूंगा और इनको माइनस करता चला जाऊंगा इनमें से। अब देखो, एक चीज़ तो बड़ी ही अच्छी होगी, देखो सबसे पहले हमें मेल फीमेल देखने थे, फिर ये मेल देखने थे। अब ध्यान से देखिएगा, एक एक वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू के साथ कंपेयर करते चले जाओ आप। जैसे मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर किया, तो ये कम था ये ज़्यादा था, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में माइनस 10 आ गया, ठीक है। फिर मैं देखूंगा इस वैल्यू को, मैं देखता हूँ इस वैल्यू से देखता हूँ, तो देखो यहाँ में कितने सेक्शन, 1, 2, 3, 4 सेक्शन है इसके बीच में, कितने वैल्यू का डिफरेंस है, 40 का, तो ये 40 हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस कितने का होगा, 1, 2 सेक्शन का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस होगा, तो टोटल मिला के कितना आ गया है, 50 आ गया, ये लो आंसर, ठीक है। अगर हम तीनों को जोड़ने बैठ गए तो भी दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर ऐसे गोला वगैरह हम कैसे, इसके अंदर सर्कल तो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, आपने तो बड़ा इजीली कर लिया इसको, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। और भी देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसके अंदर छोटी सी, आप क्या करो दिमाग में बस, आपका ये तो क्लियर हो गया, सोमवार से बुधवार तक आपको कौन देखना है, सोमवार से बुधवार तक फीमेल देखनी है, ठीक है, तो ये वाला साइन देखना है सोमवार से मंडे टू वेडनेसडे, और ये वाला साइन देखना है वेडनेसडे टू फ्राइडे, बस इतना दिमाग में रख सकते हो। तो एक एक वैल्यू को, पहली पहली वैल्यू को पहले पहले वाले से ही कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरे दिमाग में आया सबसे पहले ये आया 170, ठीक है, और इधर क्या आएगा, वेडनेसडे वाले से करा लेता हूँ, वेडनेसडे से करा लेता हूँ, ठीक है। इधर आया ये वाली वैल्यू 180, यानी कि 10 का डिफरेंस आया। अब मैं इसको इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, तो ये 180 माइनस 190 है, तो ये माइनस 10 आएगा, दिमाग में माइनस 10 लिख लिया, ठीक है। फिर आगे वाली वैल्यू देख दी 190, और फिर ये देख लिया 150, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है, तो प्लस 40, तो वैल्यू से भी सोच सकते हो आप लोग,
बस दिमाग में सोचते चले जाना है। फिर तीसरी वैल्यू में क्या देखूंगा, तीसरी वैल्यू ये देखूंगा, एक तो मेरे पास 140 हो गया और ये कितना 130 हो गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, सॉरी देखो ये तो 140 हो गया और ये कितना हो गया 120 हो गया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया, आपका आ गया 50। तो ऐसे सोच के करना है, इन तीनों को अगर बड़ी वैल्यू को जोड़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इससे इसमें सबसे कम टाइम लग सकता है। तो ये तो चीज अच्छी सीखने वाली, बाकी जोड़ बाकी तो सबको आते हैं, मैं क्या सिखाऊंगा इसमें, आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू दैट ऑन फ्राइडे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स टुगेदर विजिट द प्लेस ऑन सैटरडे। अब देखो एक आगे का डेटा सैटरडे का यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको फ्राइडे से कंपेयर करके आपको बताया हुआ है कि जो मेल्स की संख्या है वो तो 25% इंक्रीज हो जाएगी और जो फीमेल की संख्या है वो 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मेल्स कितने हैं भाई, फ्राइडे को मेल्स की संख्या 120 है, ठीक है, 120 का 25% बढ़ा दो, 25% का मतलब 4 का भाग दे दो 120 में, 4 का भाग दूंगा यानी 30, तो 120 में 30 जोड़ दो यानी कि 150 महिलाएं हैं, बढ़ी है ना, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज होती तो माइनस कर देता, ठीक है। 20% क्या हुआ है, मेल्स के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो मेल कितने हैं यहाँ पे 130 है, 130 का 20% क्या हुआ 10% 13, तो 20% 26, तो 130 में 26 जोड़ूंगा तो 156, दोनों को जोड़ूंगा तो दिख रहा है मुझे 306 आएगा, तो टिक कर देंगे फटाफट, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम के अंदर अप्रोच लगानी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स विजिटेड द प्लेस ऑन मंडे एंड ट्यूजडे टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल विजिट द प्लेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मंडे और ट्यूजडे को, ये टोटल संख्या, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे की टोटल संख्या में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में आपस में डिफरेंस पूछा गया है, ये लो। अब वही करना है, हम फिर से नहीं जोड़वा की नहीं करेंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक स्टूडेंट इन चारों वैल्यू को जोड़ेगा फिर माइनस करेगा, एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका वो ये होगा कि इस ग्राफ से देख के ही वो जजमेंट करेगा, इस ग्राफ को देख के, तो देखो बहुत जबरदस्त चीज़ हो रही है, इन सारी वैल्यू में से ये सारी वैल्यू माइनस कर लूँगा क्योंकि ये बड़ी दिख रही है मुझे, ये छोटी दिख रही है, ठीक है ना, तो इसमें से ये माइनस करूंगा मैं, तब डिफरेंस निकल आएगा इसलिए। तो यहाँ देखो ये वाला ग्राफ की वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बराबर ही है, 130 30, ये तो प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कैंसिल आउट, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या है, तो एक एक वैल्यू तो कैंसिल आउट होगी, तीन तीन वैल्यू बची, तो आसपास की वैल्यू देख लो। अब जैसे इस वैल्यू में देखता हूँ, ये वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में 10 का डिफरेंस है, बस दिख रहा है 10 का डिफरेंस, एक ही लाइन का डिफरेंस है, ठीक है। और देख लीजिएगा भाई, कोई ये दो वैल्यू हो गई। अब देखो अगर किसी को और समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करूँ, तो वैल्यू देख लेना, ये 170 है और ये कितना है 110 है, 170 माइनस 110 60, ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई, इसमें देख लिया एक बचा है बस, ये 190 है, ये 120, 190 और माइनस 120 यानी कि 70 का डिफरेंस है, कितना आ गया भाई 70 70, 140 आ गया, आंसर हो जाएगा आपका 140, ठीक। तो इस तरीके से निकाल लो। अब आपको क्या है, वहां पे ऐसे क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या है कि बस वैल्यू सोच लीजिएगा, तो एक तो दिमाग में सीधी सीधी बात दिख ही जाएगा आपको, एक भी ये 130 और 130 तो कैंसिल आउट होगा, ये तो बराबर है, तो बाकी तीन वैल्यू इधर वाली, ये तीन वैल्यू इधर वाली, इनमें डिफरेंस निकाल लो बस दिमाग में। अब जैसे मैं एक एज्यूम करता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया स्क्रीन मेरे सामने, तो स्क्रीन पे सबसे पहले मुझे दिख गया कि ये चार वैल्यू, इतना तो एज्यूम कर सकते हो दिमाग के अंदर, तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गया। अब मैं सोच लेता हूँ एक एक वैल्यू करके, जैसे ये 160 वाली वैल्यू है, ठीक है, और ये 150 वाली 140 वाली वैल्यू, ये यहाँ पे 150 वाली वैल्यू, इनमें 10 का डिफरेंस है, इस तरीके से दिमाग में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और अपने जो माउस, देखो और कुछ मत करना, अपने माउस का जो कर्सर होता है ना उसको, एग्जाम की बात करें स्पीड बूस्टर सीरीज एकदम डायरेक्ट, उस कर्सर को यूज करना, जैसे यहाँ ले गए फिर यहाँ ले गए यहाँ ले गए, तो दिमाग में रहेगा फिर उससे कौन कौन सी वैल्यू होगी। वैल्यू जोड़ने बैठ गए, चार वैल्यू ये जोड़ोगे तो टाइम तो लगेगा, फिर अप्रोच ही गलत है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट है कि ये पाई चार्ट है, ये RRBPO 2017 में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाफट। गिवन चार्ट ऐसा कुछ दिया ना चाहिए था, इज द पाई चार्ट, हाँ, गिवन बिलो इज द पाई चार्ट विच शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बुक XYZ पब्लिश्ड
पब्लिशेज इन 5 डिफरेंट स्टोर्स, यानी कि एक बुक एक्स वाई जेड कोई भी नाम है उसका, टोटल बुक्स उसकी 550 है। इन बुकों का हमने 5 अलग अलग स्टोर में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ए बी सी डी ई, और इनका अलग अलग परसेंटेज दे रखा है, बस कितना इतना परसेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिंपल क्वेश्चन होंगे हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ फीमेल हु बोट द बुक्स इन स्टोर ई आर 21 मोर देन द नंबर ऑफ मेल हु बोट बुक्स फ्रॉम द सेम स्टोर, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु बोट बुक इन स्टोर ई। अब देखना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है, अगर किसी स्टूडेंट को पता कि तो कितना फास्ट करेगा, ठीक है। अब देखो मेल और फीमेल की संख्या मुझे दे रखी है, तो जो बुक के अंदर टोटल जो ई के अंदर जो बुक गई है वो गई है 22%। तो सबसे पहले तो 550 का 22% निकालो। अब कोई वो 22/100 करके निकालेगा वैसे निकालना है, 10% कितना होगा 550 का 55, तो 20% कितना होगा 110, 1% होगा 5.5, तो 2% कितना होगा 11, ठीक है। तो 110 प्लस 11 131, ठीक है 121 सॉरी 121, ठीक है 110 प्लस 11 121 टोटल बुक्स है ई के अंदर, तो ऐसे दिमाग के अंदर 22% निकालना है, ठीक है। तो 121 टोटल बुक्स हैं, तो टोटल बुक कौन लेगा, मेल या फीमेल टोटल बुक लेंगे 121। फिर उसने बोला है कि जो फीमेल बोट द बुक्स इन स्टोर ई आर 21 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु बोट द बुक, ठीक है। तो फीमेल 21 ज्यादा है मेल से, इसने बोला फीमेल माइनस मेल 21 ज्यादा है। अब देखो अब यहां पर मेल फीमेल की इक्वेशन बना के करते रहो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा तरीका हो गया। एक स्टूडेंट ऐसा है उसको पता है, उसको मैंने रूल बताया हुआ है बहुत जगह बताया कि ए प्लस बी मान लो 6 है, ठीक है, और ए माइनस बी 2 है, कोई भी एग्जांपल ऐसे दे दिया मैंने, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें कम कौन होगा, जो माइनस वाला बी कम होगा हमेशा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ए ज्यादा होगा। ए माइनस बी में ए प्लस वाला हमेशा ज्यादा होता है, जो जिसको माइनस करते हैं वो हमेशा कम वैल्यू होती है। तो ए और बी की जो वैल्यू आती है ना, एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 6 और 2 8, मैं 2 का भाग दे दूंगा 4, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे, 6 माइनस 2 4 बटा 2 यानी 2, ये पता है फिक्स है। ये ज्यादा वाली वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, जो प्लस में होती है, जो माइनस में होती है वो कम आ जाएगी। ये लो, तो एक स्टूडेंट को अगर पता है कि अगर मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा है, अगर मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो जो ज्यादा होगा वो निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जो कम होगा वो निकालना है, दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, फीमेल ज्यादा है यहाँ पे, तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग दे दूंगा, यानी कि 142/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, ठीक। अब एक स्टूडेंट तो इतना सब कुछ लिखेगा, दूसरा स्टूडेंट जो एकदम से फास्ट जिसको करना था, एकदम कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है, वो किस तरीके एग्जाम में कैसे करेगा, उसे पता है फीमेल की संख्या 21 ज्यादा है, यानी कि फीमेल माइनस मेल मुझे दे रखा है 21, तो उसे पता है फीमेल क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो 21 तो वो हो गया, और उसने फिर यहाँ निकाल लिया 22% 121, 20% निकाला 55 × 110 प्लस 11 121, उसे पता है ज़्यादा वाला निकालना है तो मुझे 2 का भाग देना है जोड़ के सीधा 71, ऐसे करेगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले वाले वो जो कॉन्सेप्ट है ना, ए प्लस बी, ये चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज़ें यूज में आती हैं एग्जाम के अंदर, और कैलकुलेशन इन्हीं चीज़ों से फास्ट होती है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर द बुक डी, डी बुक के लिए सेंट्रल एंगल निकालो। जब भी देखो पाई चार्ट के अंदर आपको सेंट्रल एंगल पूछा जाता है, तो आपको ये पता होता है कि ये जो पूरा होता है वो 100% होता है, और ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, बस आपको यही दिमाग में रखना होता है आपने। अब जैसे भी जो भी जिससे पूछता है उसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा डी के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करो, एंगल पूछा गया है, तो एंगल कितना 32% है, मुझे पता है 100% का एंगल है 360 डिग्री, तो 1% का एंगल कितना होगा, 100 से भाग दे दूंगा, और 32 का निकालना है मुझे, तो कर दो भाई 100 से। अब देखो 0 0 कट गया, अब आपको पता है पॉइंट में आंसर आना है, तो इसमें 2 को काटोगे, मान लो इसमें 2 से काट दिया, इसको 18 कर लिया, इसको 5 कर लिया, फिर 5 का डिवाइड, वो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। सीधा 36 से मल्टीप्लाई करो इसको, और उसके बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि पॉइंट में आना है, 10 में पॉइंट लगाना आसान होगा। अभी 10 को काटोगे आप 2 से 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करोगे, क्या मतलब है, आपको पता है पॉइंट में आंसर आना है, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट लगा दो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। 36 से 32 को मल्टीप्लाई, 36 × 72 हाँसी लग जाएगी, 7 36 तिया कितना हो जाएगा 108, 108 और 7 115 10 का डिवाइड दूंगा तो पॉइंट लग जाएगा 115.2 डिग्री, ठीक है। तो ये काटना नहीं है, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ये ध्यान रखनी होती है एग्जाम के अंदर, जिससे जितने सेकंडों में भी एक सेकंड भी बचे तो वो हमारे लिए बहुत कीमती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ टोटल नंबर ऑफ अनदर बुक पब्लिश्ड एमएनपी, कोई एक दूसरी बुक है जिसका नाम है एमएनपी, इज 20% मोर देन बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड पब्लिशर्स, देन
मतलब ये जो MNP नई बुक है ना, वो इस बुक से इसकी टोटल संख्या है 20% ज़्यादा है। यानी इससे 20% ज़्यादा का मतलब 10%, 55, 20%, 110, 110 ज़्यादा होंगे, यानी कि 660 बुकें हैं। ये जो MNP बुक है टोटल कितनी है, 660 मैंने पेपर में लिख लिया। व्हाट विल बी द टोटल बुक्स सोल्ड बाई स्टोर ए एंड बी फॉर पब्लिशर MNP, ए और बी मिला के कितनी बुक्स बेचेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट स्टोर फॉर MNP रिमेन सेम एज XYZ। ये वो बोल रहा है कि XYZ की तरह ही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये सेम होगा, बस टोटल बुक्स 660 हो जाएंगी। तो ए और बी ने मिला के कितनी बुक्स बेची नई वाली, ये जो MNP बुक बोला है, तो ए और बी कितना बेचेंगे, 30%, 18 और 12 30% बेचेंगे। तो 660 का 30% निकालूंगा तो 198, ठीक है। तो 660 का 30% कैसे निकाल दूंगा, 10% की वैल्यू 66, 30 की वैल्यू की इसका 3 गुना करो, 3 गुना भी बोलेंगे सर मेरे से 66 का 3 गुना नहीं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में करो, 60 का 3 गुना 180, 6 का 3 गुना 18, 180 प्लस 18 198, ऐसे सिंपल एकदम चीजों को सिंपल वे के अंदर सोचा करो दिमाग में। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल बुक्स सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। अब देखो यहां पे अगर आप, क्या पूछा गया है, ए और सी ने कितनी टोटल बुक्स बेची और डी और ई ने कितनी बेची, इनका आपको रेशियो निकालना है। अब एक स्टूडेंट जिसको नहीं पता, वो ए की बुक्स निकालेगा फिर जोड़ेगा फिर रेशियो, नहीं, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम संख्या का परसेंटेज आप 18% निकालोगे, 16% निकालोगे, 22% निकालोगे, तो कंपेरिजन उतना ही रहेगा। तो कभी भी जैसे ऐसा रेशियो पूछा जाए तो आप सीधा परसेंटेज में निकाल देगा। तो ए और सी का परसेंटेज कितना है, 18 और 16 34, और डी और ई का कितना है, 54। तो सीधा सीधा आ जाएगा आप लोगों का 17:27, ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकालनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। वैल्यू निकालने बैठ के कोई ए की वैल्यू निकाल रहा है, सी की निकाल रहा है, फिर उनको जोड़ रहा है, फिर ई की निकाल रहा है, डी की निकाल, उनको जोड़ रहा है, फिर रेशियो निकाल रहा है, वो तो बेवकूफ़ी है। वो नहीं करना है एग्जाम के अंदर, सीधा ऐसे करना है, सीधा फटाफट सेकंडों में आंसर आते हैं। तो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप बड़ा इजीली आराम से चीज़ों को बड़ा फास्ट तरीके से कर सकते हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की अप्रोच सही रखो उसके प्री के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। लास्ट के एक दो क्वेश्चन में हमेशा आपसे पूछता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट एक क्वेश्चन जो है उसका कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर बताएंगे, फिर देखेंगे भाई कौन, मतलब मैं देखूंगा कि भाई कौन कौन सही करेगा। तो जो भी होते हैं मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ, जो पढ़ाया है उसका कुछ इफेक्ट आके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, इसलिए मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन लास्ट के होमवर्क ग्रुप में दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्पीड बूस्टर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और जैसे कैलकुलेशन और जो छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान में रखने वाली होती है, मैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ इसके अंदर। बाकी आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।